गाइस, मैं उलीशा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, जो पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को बुलेट प्रूफ कार में चलने की सलाह दी। इंदिरा गांधी ने एम्बेसडर कारों को बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए कहा। उस वक्त भारत में बुलेट प्रूफ कारें नहीं बनती थी, इसलिए जर्मन कंपनी को कारों की बुलेट प्रूफ बनवाने का ठेका दिया गया। गाइस, आप जानना चाहते हैं उस ठेके का बिचौलिया कौन था? वो था वॉल्टर विंसी, सोनिया गांधी की बहन अनुष्का का पति। लोगों को हमेशा ये शक था कि उसे इसमें कमीशन मिलता था, लेकिन कमीशन से भी गंभीर बात ये थी कि इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्य उसके मार्फत दिया गया। इटली का प्रभाव सोनिया दिल्ली तक लाने में कामयाब रही थी, जबकि इंदिरा गांधी जीवित थी। दो साल बाद 1986 में ये वही वॉल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का ठेका मिला। और आश्चर्य की बात यह है कि इस सौदे के लिए उन्होंने नकद भुगतान की मांग की और वह सरकारी तौर पर क्या भी गया। ये नगद भुगतान पहले एक रो अधिकारी के हाथों जिनेवा स्विट्जरलैंड पहुंचाया गया, लेकिन वॉल्टर विंसी ने जिनेवा में पैसा लेने से मना कर दिया और रो के अधिकारी से कहा कि वे ये पैसा इटली में चाहते हैं। विंसी ने उस अधिकारी को कहा कि वह स्विस और इटली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देंगे और ये कैश चेक नहीं किया जाएगा। रो के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः वह भुगतान इटली में भारतीय दूतावास के जरिए किया गया। इस नगद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब एक कैबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बैक में उल्लेख किया है। हालांकि वे तत्कथित ट्रेनिंग घोर असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया। इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद रूखा था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। रो अधिकारियों ने ये बात राजीव गांधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसे में खतरे में पड़ सकती है। घबराए हुए राजीव ने तत्काल वह ट्रेनिंग रुकवा दी, लेकिन वे ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। राजीव की हत्या के बाद तो सोनिया गांधी पूरी तरह से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगी थी, खासकर उस वक्त जब राहुल और प्रियंका यूरोप घूमने जाते थे। सन 1985 में जब राजीव से परिवार फ्रांस गए थे, तब रो का एक अधिकारी जो फ्रेंच बोलना जानता था उनके साथ भेजा गया ताकि फ्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके। लियोन में उस वक्त एसपीजी अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब पता चला कि राहुल और प्रियंका गुम हो गए हैं। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विंसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे जोन्स वोल्डेमेरी के साथ है, जो कि सोनिया की एक और बहन नादिया के पति हैं। विंसी ने उन्हें वे भी कहा कि वे वाल्डमेरो के साथ स्पेन चले जाएंगे, जहां स्पेनिश अधिकारी उनकी सुरक्षा संभाल लेंगे। भारतीय सुरक्षा अधिकारी ये जानकर अचंभित रह गए कि ना केवल स्पेनिश बल्कि इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कार्यक्रम के बारे में जानते थे। जाहिर है कि एक तो सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के एहसानों के तले दबना नहीं चाहती थी और वे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करती थी। इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन 1986 में जिनेवा स्थित रो के अधिकारी को वहां के पुलिस कमिश्नर जैक कुंजी ने बताया कि जिनेवा से दो वीआईपी बच्चे इटली सुरक्षित पहुंच चुके हैं। खिसियाए हुए रो अधिकारी को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। जिनेवा का पुलिस कमिश्नर उस रो अधिकारी का मित्र था, लेकिन यह अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वह वीआईपी बच्चे कौन थे।
वे कार से वॉल्टर विंसी के साथ जिनेवा आए थे और स्विस पुलिस तथा इटालियन अधिकारी निरंतर संपर्क में थे, जबकि रो अधिकारी को सिरे से कोई सूचना ही नहीं थी। है ना हादसे पद, लेकिन चिंताजनक उस स्विस पुलिस कमिश्नर ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए इटालियन एजेंसी से सहयोग करती है। बुरी तरह से अपमानित रो के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के गुट में ये बात तेजी से फैल गई थी कि सोनिया गांधी भारतीय अधिकारी, भारतीय सुरक्षा और भारतीय दूतावासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हैं, और ये निश्चित ही भारत की छवि खराब करने वाली बात थी। राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियों SPG से अधिक सूचनाएं पा जाती थी और भारतीय पुलिस और रो उनका मुंह देखते रहते थे। ओटावियो क्वात्रोची के बार बार मक्खन की तरह हाथ से फिसल जाने का कारण समझ में आया। उनके निजी सचिव विसेंट जॉर्ज सीधे पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में रहते थे। रो अधिकारियों ने इसकी शिकायत भी नरसिम्हा राव से की थी, लेकिन जैसे ही उनकी आदत थी कि वह मौन साधकर बैठ गए। जब एक गृहिणी होते हुए भी वे गंभीर सुरक्षा मामलों में अपने परिवार वालों को ठेका दिलवा सकती है, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जीवित रहते रो को इटालियन जासूसों से सहयोग करने को कह सकती है। सत्ता में न रहते हुए भी भारतीय सुरक्षा अधिकारियों पर अविश्वास दिखा सकती है, तो अब जबकि सारी सत्ता और ताकत उनके हाथों में है, वे क्या क्या कर सकती है बल्कि क्या नहीं कर सकती। हालांकि मैं भारत की बहू हूँ और मेरे खून की अंतिम बूंद भी भारत के काम आएगी आदि वे यदा कदा बोलती रहती है, लेकिन ये असली सोनिया नहीं है। समूचा पश्चिमी जगत, जो कि जरूरी नहीं है कि भारत का मित्र ही हो, उनके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन हम भारतीय लोग सोनिया के बारे में कितना जानते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही वर्ष विदेश में रह ले, स्थायी तौर पर बस जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा भारत के लिए ही धड़कता है। और इटली में जन्म लेने वाले व्यक्ति का इटली में, उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत भरी रिसर्च और बुद्धिमत्ता रंग लाई। उन्हें 4 मंत्रियों, इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद KGB के लिए काम करते थे। KGB इन्हें इसके लिए मोटी रकम देती थी। मलय कृष्णधर ने उनकी किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सेक्रेटरों को प्रकाशित किया है। इस किताब में उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सोनिया गांधी एक KGB द्वारा भेजी हुई जासूस है। वर्ष 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी KGB द्वारा $2 बिलियन यानी कि 94 करोड़ रुपए राहुल गांधी के स्विस बैंक खाते में जमा किए थे, जो कि सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस न्यूज मैगजीन में भी ये दर्शाया गया था कि KGB ने सोनिया गांधी, जो कि भारतीय राजनेता से विवाहित है, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी विकास, बात इसरो, DRDO, ICAR और हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक तरह से खुली किताब के समान हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय इंडस्ट्रीज और व्यापार पर अपना दबदबा कायम कर लेते, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते। कृष्णधर द्वारा जुटाए गए कुछ सबूत सोनिया गांधी को रशियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को भी KGB के द्वारा मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के चहेते राजीव और सोनिया को पाकिस्तानी बैंकर के द्वारा रकम दी जाती थी। बैंकर आधा हसन अब्दी, जो कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स में कार्यरत थे, ये बैंक अबू धाबी के शेख जैद के अवैध धन को वैध करता था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु रूस पर उंगली उठाती है। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से ताशकंद में मुलाकात की और नो वॉर समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें लिखा था कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी अगले ही दिन रहस्यमय मृत्यु हो गई और इससे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। संजय गांधी की मृत्यु से जुड़े सबूत ने सोनिया गांधी को संदेह के घेरे में खड़े करते थे। संजय गांधी को केजीबी के कहने पर मारा गया ताकि राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हो। राजीव गांधी की मृत्यु श्रीलंका के आतंकी समूह LTTE जिसे ईसाई समूह द्वारा वित्तीय सहायता मिलती थी के द्वारा हुई थी। बता दें कि राजीव गांधी को 21 मई 1991 को तमिलनाडु में 24 वर्षीय धनु नामक रोमन कैथोलिक महिला, जिसका असली नाम क्लेबती था, के द्वारा आत्मघाती बम द्वारा उड़ा दिया गया था। आरोप है कि राजीव गांधी को मार दिया गया तो केजीबी ने सोनिया गांधी को बढ़ावा देने के लिए पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया। सोनिया की लीडरशिप के लिए संभावित खतरों को एक एक करके शानदार तरीके से दुर्घटनाओं का रूप देकर हटा दिया, जो कि केजीबी की बड़ी विशेषता है। कैथोलिक्स रविवार को विशेष मानते हैं और सोनिया गांधी के सभी खतरे रविवार को ही समाप्त हुए। राजेश पायलट की रोड एक्सीडेंट में रविवार को ही मृत्यु हुई। जितेंद्र प्रसाद रविवार ब्रेन हैमरेज से मरे और माधव राव सिंधिया रविवार को ही के ही दिन प्लेन क्रैश में मारे गए थे। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलेगा। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।